नमस्कार, धाकर न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धाकर न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क, सिर्फ धर्मेंद्र धाकर के साथ। आपने एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुना होगा, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुना होगा, इस तरह के कई प्रतिष्ठित पद आपने सुने होंगे। लेकिन हमें एक सबसे प्रतिष्ठित पद मिला है, ये देखिए यहाँ पे एक बाइक के आगे लिखा हुआ है भोजपुरी सिंगर है। मतलब डीएम साहब अपनी गाड़ी के आगे लिखवाते हैं डीएम, यानी हमको रिस्पेक्ट दो। एसपी साहब लिखवाते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कहते हैं कि हमको सैल्यूट मारो। इन लोग लिखवाता है भोजपुरी सिंगर क्या के हमारा गान मारो। मतलब पहले के अपेक्षा भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारा सुधार हुआ है। लोग अब उस तरह के गाने नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो एक छुटभैये जो सिंगर होते हैं, जिन्हें गड़घिचो सिंगरवन होता है, जो 4,000-5,000 दे के गाना गाता है जी, मेनली अश्लील गाना वह नहीं गाता है। तो एगो बाइक एगो पार्क है, देखिए खोजते हैं, देखो उधर एगो दूल्हा बनल है, हमको लग रहा है वही है। क्यों लोग एकदम गर्मी में भी, इन लोग देखिए इतना गर्मी में भाई जो शेरवानी पहन ले है, इन लोग ऐसे ड्रेस पहन के मिलेगा, हम देखते पहचान लिए हैं। ये देखिए ये कोची खा रहा है जी, ये बीमल साला ये सब खाए के चीज है, इससे बढ़िया सिगरेट पियो जल्दी मरोगे, बीमल मसाला साला खा रहा है। तो तुम भोजपुरी सिंगर हो जी? भोजपुरी सिंगर, देखो तुम्हारा बीएमडब्ल्यू जो लगल था ना, बीएमडब्ल्यू देखते हम पहचान लिए हैं कि तुम भोजपुरी सिंगर हो। तो अच्छा हमको ये बताओ कि नाम क्या है आपका? रमेश रसीला। रमेश रसीला नाम है आपका जी? तो जी, तो रमेश रसीला जी, ये देखिए इनका नाम है रमेश रसीला, इसको निचोड़ देंगे ना तो गुटखा के अलावा और कुछ निकलवे नहीं करेगा। थोड़ा सा इधर हो जाओ जी, गड़मुंडा जी हमारे साथ, देखिए हमारे साथ हमारे कैमरामैन गड़मुंडा जी भी मौजूद है, जो बरमुंडा था हमारा, उसका साला है ये बरमुंडा, शादी ब्याह करके फेर में लग गया, तो उसका साला है अभी हमारे साथ जी। तो रमेश रसीला जी बताइए कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है, गाने का रिकॉर्डिंग है, कहाँ पे? चिरांड स्टूडियो में। चिरांड स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है। तो कब से गाना गा रहे हैं आप? 6 महीने से। 6 महीना से आप गाना गा रहे हैं? तो मतलब जैसे कि बहुत आंडू गांडू के देखे हैं, कोई भी गाना उना गाने लग रहा है, सब भोजपुरी गाना गाता है, तो मतलब इसमें बहुत पैसा मिलता है क्या? 6 महीना में आपने कुछ खरीदा है क्या? देखिए मैंने 2 बीघा खेत। 2 बीघा खेत खरीदा है आपने 6 महीने में? नहीं बेचा है, अभी गाना हिट नहीं हुआ है, थोड़ा कम हिट हुआ है। थोड़ा सा हिट हुआ है? ये देखिए 2 महीना में इन्होंने 2 बीघा खेत बेच दिया है, थोड़ा सा गाना इनका हिट हुआ है, ज़्यादा हिट नहीं हुआ है। तो मतलब आपने अभी सोचा है अपने भविष्य के लिए कि आगे क्या करेंगे, आपके भविष्य में आपको फ्यूचर में सक्सेस कैसे मिलेगा, इसका सोचा आपने? सेक्स तो शादी के बाद होता है। सेक्स नहीं सर, साथ ही सक्सेस कह रहे हैं सलाह, तुमको सेक्स सुनाई दे रहा है, गलती से सुन लिया हमको लगा। तो दिन भर तुमको लगा कि दिन भर लाड़ गाड़ गाएगा चोली जंगिया, तो सला यही सब ना सुनाई देगा, सक्सेस कह रहे हैं सेक्स सुन रहा है यार, मतलब अब क्या बताएं हम इसको। देखो अभी रिकॉर्डिंग है ना तुम्हारा, अभी चल के हम तुम्हारा रिकॉर्डिंग भी देखेंगे किस तरह का होता है। लेकिन देखो खेत बेचने का जरूरी नहीं है, पैसे कमाने का एक और तरीका हम तुमको बता रहे हैं, जो कि है प्रोबो। प्रोबो क्या है? देखो प्रोबो एक भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग वेबसाइट है, जिसमें तुम अपने यस या नो में अपने ओपिनियन देके जीत सकते हो। जैसे कि देखो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, तो उसमें हमने ओपिनियन दिया और हमें हुआ लाखों का फ़ायदा। और प्रोबो पे बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे क्रिप्टो है, फाइनेंस है, और वेदर है, और कई तरह की कैटेगरी में आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। देखो अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये देखो क्वेश्चन आया है कि क्या इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ जीतेगी वर्ल्ड कप में? बिल्कुल जीतेगी। जीतेगी तो यस कर देते हैं, और देखो अगर हमने सही हुए तो हम जीतेंगे रियल कैश, और मैच के दौरान भी हम अलग अलग सवालों के जवाब देके जीत सकते हैं एकदम रियल कैश। और जो भी जीते हुए पैसे हैं अपने UPI से 24/7 गूगल पे फ़ोनपे पे हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करो, जाकर डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 25% का बोनस, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए प्रोमो। तो अभी हम लोग चलते हैं और देखेंगे कि किस तरह से इन लोग यहाँ पे होता है, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग। चलिए तो इनका रिकॉर्डिंग देखते हैं चल के हम। तो ये देखिए ये भी देख रहा हमारा, तो भोजपुरी गाना सुनते हो जी तुम? नहीं ना सुनते हो ज़्यादा, ये सब गाना मत सुना, नहीं तो हम गाने फाड़ देते हैं, जाओ अपना काम दम करो। चलिए तो हम लोग यहाँ पे चल के देखते हैं कि किस तरह से होता है, चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं यहीं पे, भोजपुरी गाना रिकॉर्ड किया जाता है, हमारे साथ जो सिंगर है रमेश रसीला यहीं पे रिकॉर्डिंग है जी। यही देखिए चिरांड रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जहाँ पे इसका गाना ही रिकॉर्ड करेगा। ये देखिए
4500 में गाकर बनी है भोजपुरी स्टार है, मतलब कोई भी आणु घाणु लाड़ू 4500 रुपया दे के गाना गा देता है और स्टार बन जाता है। मेनली अश्लीलता का यही रीजन है कि 4000 4500 में भाई जी उतना के तो हम कभी कभी दारू पी जाते हैं जी है, उतना में गा के आदमी नहीं स्टार बन जाता है। ये देखिए यही रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, यहाँ पे पिछला बार आए थे चोली जंगिया पर इन लोग गाना बना रहा था, इस बार देखिए इस बार किस चीज पे बनाता है इन लोग चोली जंगिया। ऐसा गाना नहीं बनता है अब, ऐसा गाना नहीं बनाते हैं, नहीं वैसा गाना नहीं बनाते हैं। अच्छा तो मतलब अब किस तरह का गाना बनाते हो? ई है जी लुंगी में चिंगारी चोली जंगिया पे छोड़ के लुंगी में चिंगारी किस तरह का गाना है? ये भी तो अश्लील का। ये सब पुराना गाना है, ये सब पहले बनता था, अब नहीं बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ये मतलब पहले का गाना है, अब इस तरह का गाना नहीं बनाते हो? जी जी, तो इनका कहना है कि अब ये इस तरह का गाना नहीं बनाते। यही देखिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जहाँ से भोजपुरी का गाना प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले अपना नाम और आपके यहाँ पे क्या करते हैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दीजिए। जी हमारा नाम है दिनेश भुट्टा प्रेमी और हम एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। अच्छा अच्छा, तो दिनेश भुट्टा प्रेमी मतलब भुट्टा मकई ज्यादा खाते हैं क्या? नहीं नहीं, हम हाँ। भूटान में काम करते थे तो इधर आए तो लोग हमको भुट्टा भुट्टा बोलने लगा। अच्छा। और प्रेमी जो है वो हमारा टाइटल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये देखिए ये भूटान में काम करते हैं, वहीं से भूटान से भुट्टा आ गया और प्रेमी टाइटल है, दिनेश नाम है, सब मिलकर दिनेश भुट्टा प्रेमी हो गया। शुक्र है आप लंदन में काम नहीं किए, नहीं तो आप दिनेश लंड प्रेमी हो जाते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि मतलब किस तरह के मुद्दे पर आप गाना बनाते हैं? ज्यादातर हम लोग जो है सामाजिक मुद्दे पर ही गाना बनाते हैं। सामाजिक मुद्दा जैसे अभी चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन वार, उस पर बना है कुछ है? नहीं नहीं नहीं, सामाजिक मुद्दा जैसे सीमा सचिन वाला हुआ उस टाइप का। सीमा सचिन सामाजिक मुद्दा भेंचो, ठीक है सब छोड़िए, लेकिन नहीं बताया कि अगर मतलब अभी वार जैसे चल रहा है दो देशों के बीच में, तो आपका क्या विचार है किसको जीतना चाहिए? देखिए हमारा मानना है जो जीत रहा है उसको जीताना चाहिए और जो हार रहा है उसको हराना चाहिए। बड़ा लड़चड़ विचार दिया है जी, लाइन पूरा हो चुका है, ठीक है करा दीजिए। यही आप ही के हैं? ये हमारे राइटर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, आप राइटर आप ही लिखे हैं का? अच्छा इसी गाने का देखिए जो रिकॉर्डिंग रमेश रसीलांदर कर रहा है, तो अपना एक बार परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार, आप सबका आशीर्वाद। काहे ला इतना कथा सुना रहा बहन, जो सीधा सीधा अपना नाम बताओ ना इधर। हमारा नाम बबलू ब्लास्ट है जी। बबलू, ये देखिए बबलू ब्लास्ट हमारे साथ हैं, सिंगर है और राइटर हैं भोजपुरी के, बबलू ब्लास्ट नाम भी देखिए बबलू ब्लास्ट। तो यही बताइए कि लगातार आरोप लगते रहे हैं भोजपुरी पर कि समाज में अश्लीलता फैला रहा है और अश्लील गाने जो बनाए जाते हैं, तो इस पर क्या विचार है आपका? देखिए ये सब जो है बहुत पहले होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हम ऐसा कुछ लिखते हैं। अच्छा, हमको तो शांति अवार्ड भी मिला है। तुमको नोबल शांति अवार्ड मिल गया है? नहीं नहीं, शांति देवी अवार्ड। तबे तो लगा बहन जो इन्हीं के कहाँ से मिलेगा ये सब, वो सब नोबल अति अवार्ड। रेडी है, देखिए रिकॉर्डिंग के लिए रेडी है, आवाज इनका शुरू है। एक औरत के पति कमाई खातिर विदेश चल गई, तो औरत कहती है काहे गईला अरब सैया, काहे गईला अरब सैया, छोरी के नु गोरी कि लगा के डबर हनी देवरा चुसा तारे ढोरी। मतलब अभी कह रहा था कि नहीं गाते हैं चोली जंगिया हम लोग नहीं गाते हैं, देखिए गाना में ढोली आ रहा है, देवरा चूसा ताले ढोली, यही है ये सब। ये देखिए, अरे बहन चोदे देखिए इनका पोस्टर देखिए, ये बना के घोड़ी चुसावे ढोड़ी का तो नहीं बनाता था गाना, देखिए लेटेस्ट रिलीज है, बना के घोड़ी चुसावे ढोड़ी, ढोड़ी के दीवाना चांद तारों में नजर आए ढोड़ी तेरा। ये देखिए ढोड़ी में 5G नेटवर्क, तो इंचो यहाँ तो नेट नहीं चल रहा, ढोड़ी में 5G नेटवर्क, लेखक बबलू ब्लास्ट साला, मतलब चोली जंगिया छोड़ के ही नहीं ढोड़ी पर शिफ्ट होगा। और जो लोग नहीं जानते हैं हमारे दर्शक जो कि इंग्लैंड से देख रहे हैं, ढोड़ी क्या होता है? ढोड़ी जो है मतलब नाभि को कहा जाता है, तो औरत का जो नाभि होता है उसी को इन लोग ढोड़ी पर, वहीं पे इन लोग गाना बनाता है साला। अभी इन लोग का इलाज भी हम लोग लाए हैं क्योंकि ढोड़ी चुसवाना ढोड़ी वाला राइटर का बहुत कंप्लेन मिल रहा था, तो इसका इलाज भी जाओ लेके आओ, गलमुंडा लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, अभी जाओ लेके आओ। ये पहुंच गए थे, गाली देते हैं वीडियो में और हमको बोलते रहते हैं, गाली देते हैं भाई, हम गाली देते हैं जी। मान लो साला थोड़ा मोड़ा दही दिए तो ये हमारा वीडियो जो है आदमी टेम्पू में बजा के चलता है क्या? स्पीकर में, लाउड स्पीकर में बजाता है, डिस्क्लेमर होता है ना रे वीडियो में है साला। ये मतलब इतना देखिए, इतना करोड़ों लोगों द्वारा बोले जाने वाली इतनी महान और मीठी भाषा जो है उसका कंपेयर ही हमसे कर रहा है साला। हम आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन भोजपुरी भाषा था है रहेगा हमेशा साला। आ गया रे, इधर आओ लेके, इधर आओ, ये
This is a very good giraffe boat. बहुत बढ़िया ही जरा लेके आया है. ये देखिए इसके बैन शॉट ये. हाँ हाँ, बहुत मुश्किल से लाया इसको. देखिए हमारा जो गड़मुंडा जो है, ये बरमुंडा का साला है, वो अभी थोड़ा शादी ब्याह में बिजी था जी. तो ये हमारे साथ ये है कैमरामैन और असिस्टेंट के जगह पे मेरे साथ ये गड़मुंडा है यहाँ पे. तो तुम ये देखिए हिजड़ा लेके आया है जी. तो हाँ देखिए, देखिए ढोड़ी जो है दिखाओ जी थोड़ा सा. अरे उतना मत दिखाओ यार, थोड़ा सा दिखाओ. ये देखिए इसी को ढोड़ी बोला जाता है, जो नाभि होता है औरत का, आदमी का, दोनों को ढोड़ी बोला जाता है. लेकिन ये औरत पे इन लोग गाना बनाता है, ढोड़ी पर गाना बनाता है, और यही औरत के पार्ट पे ढोड़ी चुसवाता है, ढोड़ी में बम ब्लास्ट, ढोड़ी में 5G नेटवर्क, कुछ भी कर देता है. तो इसका इलाज देखिए हम लोग लेके आए हैं, हम लोग हनी यहाँ पे लेके आए हैं, और यहाँ पे ढोड़ी वाला वाली जो भी है वो भी है. उसको धरो धरो, उसको धरो, इसको धरो धरो, इसको ले जाओ, लगा के इसको जबरदस्त इसको चुसाओ ढोड़ी. इसको बहुत बहुत ढोड़ी चुसना साला के, साले साले ढोड़ी. यू नो दिस टाइप ऑफ सॉन्ग दे मेक, दिस टाइप ऑफ दी, यू नो वेरी चपरी सॉन्ग इज दिस स्पॉइलिंग द सोसाइटी. यू नो लुंगी लुंगी में चिंगारी, दे आर मेकिंग दिस सॉन्ग इन ढोड़ी, दे आर मेकिंग सॉन्ग ऑन वुमन वुमेन्स बेली. ओह माय गॉड, ये तो भी. अच्छा हम लोग अभी सोचा है कि एक गाना हम भी बनाएंगे इन लोग के लिए, इन लोग को डेडिकेट. वी ऑल्सो मेक वन सॉन्ग. ओके ओके, कम आओ आओ बहनचोद. इसको तुम अभी ना कह रहे, इधर निकल निकल चल निकल निकल बहनचोद. वी विल मेक वन सॉन्ग, एक गाना हम लोग इन लोग के लिए डेडिकेट करेंगे जी. We will sing one song, okay? So let's go, bhai. Okay, bhai. Let's go. We okay. got it. 1, 2, 3. कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी गा रहा है. कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी गा रहा है. कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी गा रहा है. कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी गा रहा है. अपना माई चोदा रहा है, कुछ भी गा रहा है. अपना माई चोदा रहा है, कुछ भी गा रहा है. अपना माई चोदा रहा है, कुछ भी गा रहा है. अपना माई चोदा है, कुछ भी गा रहा है. This was song for that Larchat writers. Okay, you know Larchat. They are Larchat. They are very Larchat. Very Larchat. ये चपरी song. ये देखिए इस तरह का जो गाना है उस पर हम लोगों ने, हम मेरे और मेरे जो बरमुंडा का जो साला है, गरमुंडा है, बरमुंडा का जो साला है, ये आया है युगांडा के जो तिरछे वाला साइड है उधर से आया है, और ये हमारे साथ है. कुछ दिनों में बरमुंडा भी हमारे साथ ज्वाइन करेगा. तो देखिए जो इस तरह का अश्लील गाना लिख रहा है भी है, इसको भी बताते हैं, इसका यही इलाज. कौन अरे कौन है आपका डोरी चुसाने के साथ साथ नीचे वाला भी चुसवा दिया उसने. अरे भाई इसको डोरी चुसाने के साथ साथ नीचे वाला भी इसको चुसवा दिया है. मतलब ठीक हो सला काम मिशन करेगा, निकल यहाँ से साला. समझ में नहीं आता, कुछ भी गाता है. देखिए ढोड़ी के साथ साथ उसको नीचे वाला भी चुसवा दिया गया है. तो देखिए एगो ये भी है, इसका भी कुछ इलाज यहाँ पे करेंगे हम लोग. यहाँ पे बुलाओ जी उसको, बुलाओ बुलाओ बुलाओ. कहाँ गया तुम? उसको ढोड़ी के साथ नीचे वाला भी चुसवा दिया जी. अरे आप किसको चुसाना है रे? हम भूटान चले जाएंगे भैया, दोबारा नहीं आएंगे भैया. दोबारा बनाएगा इस तरह का गाना भैया? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे. चल निकल यहाँ से. तो तुम नीचे वाला भी चुसा दिया है कुछ? मजा आया रे उसको. ठीक ठीक, क्या सब हो रहा है यहाँ पर? आप कौन है? मैं मकान मालिक हूँ यहाँ का. आप मकान मालिक है? बिल्कुल. अच्छा अच्छा, तो अभी चूस नहीं, नहीं आप नहीं चूसिएगा. चलो तो, नहीं नहीं कुछ नहीं, तो आप जाइए, तुमको हम बुलाएंगे. तुम्हारा फिक्र बड़े जबरदस्त है ना. नंबर अपन दे देना गरमुंडा, इसका नंबर ले लेना जी. तुम जाओ तो अब आप मकान मालिक हैं, थोड़ा गलत टाइम पे आ गए आप. तो ये बताइए हमको कि मतलब आपने स्टूडियो रेंट पे दिया था? हाँ जी, मैंने ही दिया बिल्कुल. अच्छा अच्छा, तो जैसा कि मतलब आपने दिया है, तो इस तरह के गाना बना रहे हैं आड़ गाड़ लाड़ लुंगी वाला, तो आपने कभी मना नहीं किया है कि हमारे जगह रेंट पे लेके क्यों बना रहे हो गाना? कई बार मना किया, मानते कहाँ हैं लोग. अभी देखिए हम लोग भगा दिया है, इसका ये सब सामान उमान जब्त कीजिए आप, ठीक है? अच्छा, और मतलब एक ऐसे ऑडियंस आप हमको बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के गाने, जैसे आपके भी बाल बच्चा होंगे, तो इस तरह का गाना बनना चाहिए हमारे समाज में? बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए. और पब्लिकली जो बजता है इस तरह का गाना, बिल्कुल समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसका ना. इस सब अश्लील गाने बंद होने चाहिए. देखा देखा कौन गाना बज रहा है जी? कौन गाना बज रहा है? कौन गाना बज रहा है? कौन गाना बज रहा है?